हेलो दोस्तों, और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू ऑप्शन के बारे में, जिस ऑप्शन का नाम है नोवा ब्राउज़र सेफ ब्राउजिंग एप्लीकेशन। इस ऑप्शन कैसे यूज करें, कैसे चलाएंगे, यानी फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगा। नोवा ब्राउज़र मेन फीचर हाई स्पीड ब्राउज़र है, और ऐसे आपको हाई प्राइवेसी, सुपर फास्ट ब्राउजिंग स्पीड, कंटेंट एंड मॉडर्न अपडेट भी मिल जाता है। और इस ऑप्शन आपको क्या क्या फीचर में मिल जाता है, यहीं से आपका गूगल, यहाँ से सर्च इंजन बॉक्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेजोन, टिकटॉक एंड याहू तक भी मिल जाएगा। और ऐसे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसे आपको स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन करके भी ट्रांसलेट करना चाहेंगे वो भी आपका हो जाएगा। और ऐसे आपको हर एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और ऐसे आपको बहुत सारा अच्छा खासा फीचर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। और वीडियो अच्छा लग जाए वीडियो भी कर देना एक लाइक, अगर चैनल पहली बार है चैनल भी कर देना सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट इसका लोगो नेम दिख जाएगा, यहीं से आपका लोडिंग होना स्टार्टेड हो जाता है। आपको 5-6 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, छोटा सा एड आएगा, एड को आपको कट कर देना है। एड कट करने के बाद फर्स्ट यहाँ से आपको सर्च इंजन बॉक्स जो भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ से आपको जैसे हेलो लिख दिया, आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो आप इस सेक्शन पर क्लिक करके आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, चाहे बांग्ला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से हर एक लैंग्वेज मिल जाएगा आपको। नीचे स्लाइड करिए जाइएगा, तो यहाँ से मुझे दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेट करना, चाहे गुजराती में सिक्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से हेलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हेलो लिख के फिर आपको ट्रांसलेट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका गुजराती में दोस्तों ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार रिजल्ट आ जाएगा। ट्रांसलेट आने के बाद दोस्तों फिर से बहुत सिंपल से कॉपी करके और जिसको ट्रांसलेट भेजना चाहते हैं सिंपल से आप भेज सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। और नंबर सेकेंड आता है दोस्तों OCR, मतलब आपको कोई इमेज है, कोई फोटो, आपको उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको जो भी लैंग्वेज है अलाउ दिस अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। नीचे स्लाइड करेंगे हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा, हर एक कंट्री का, उसमें सिंपल से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपको जो भी फोटो है, चाहे आपका कोई PDF फाइल है, चाहे कोई आपका बुक हो, उसे ट्रांसलेट करना है, इस पर क्लिक करके फ़ोटो ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों। यानी कुछ इस पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपका कोई सर्च बॉक्स, इंजन बॉक्स, कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, बहुत सिंपल से यहाँ से गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से वीडियो वॉच कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम, अमेजोन, यहाँ से टिकटॉक, यहाँ से याहू तक भी मिल जाता है दोस्तों। यानी कुछ इस पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप VPN यूज करना चाहते हैं तो स्मार्ट सर्वर का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको हर एक कंट्री का सर्वर मिल जाएगा, आपको सिंपल से VPN भी यूज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।